बावजूद भी इन लोगों ने, मैं यहाँ तक आ गया उसके बावजूद भी ये पूरे दिन टिकट काटते रहे, टिकट काटते रहे और मुझे पता ही नहीं है कि टिकट कट रहे और टिकट पे कार्यक्रम है और लोगों को सिर्फ गुमराह करते रहे। और उसमें नुकसान ये हुआ कि 4 स्कॉर्पियो लोगों ने जला दी। इसमें मैं पब्लिक जनता को मैं बिल्कुल दोष नहीं बोलूंगा क्योंकि इन लोगों ने गुमराह जनता को भी किया और मुझे भी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। भोजपुरी के मशहूर एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का एक प्रोग्राम नेपाल में निर्धारित किया गया था, कार्यक्रम तय समय पर शुरू होना था लेकिन उसके पहले ही वहां बवाल मच गया नेपाल के लोगों के द्वारा। साथ ही साथ जो लोग वो प्रोग्राम देखने पहुंचे थे, वहां के स्थानीय लोग जो वहां पर थे, उन्होंने जमकर खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में बवाल काटा। बवाल इसीलिए काटा गया क्योंकि खेसारी लाल यादव तय समय पर अपने कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, भीड़ उनका इंतजार करती रही और ऐसे में आखिरकार भीड़ का गुस्सा देखने को मिला, जिसके बाद भीड़ भड़क गई और जमकर बवाल काटा गया, जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद आगजनी भी की गई। इस पूरे मामले को लेकर खेसारी लाल यादव ने अपनी बातें रखी हैं, उन्होंने पूरे मामले को लेकर अपनी बातें कही हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, ये पूरा मामला क्या है और आखिरकार भीड़ इतना गुस्सा क्यों हो गई। पहले आप खेसारी लाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। और हमारे इंस्ट्रूमेंट जो बजाने वाले लोग थे वो थे और हमारी डांसर ग्रुप की लड़कियां थी। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग जब मेरा कार्यक्रम किए तो इन लोगों ने बताया ही नहीं कि टिकट शो है। टिकट शो का मुझे पता ही नहीं था। मैं जब यहाँ आया, जब ये सारे हंगामा हो गए, होने के बाद मुझे पता चला कि टिकट शो था। और उसमें जनता की क्या गलती है? नेपाल की जनता चाहे कहीं की जनता भोली भाली होती है, उसको ये पता नहीं होता है भाई, वो अपने बेटा को प्यार करने। अब मेरे बारे में क्या बोल रही है जनता, किसी के बारे में बोलेगी? क्योंकि उसको हकीकत पता ही नहीं है। तो टिकट शो के नाम पे इन लोगों ने मुझे बुक ही नहीं किया था। और जब इनका परमिशन फेल हुआ, सरकार ने कोविड की वजह से परमिशन इनका रद्द किया, इनको मना किया कि आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। आपसे कितना दिन पहले एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पर आने का? मेरा तो 5-6 दिन पहले ही ये कार्यक्रम तय हुआ है, राइट ना? 5-6 दिन पहले, 5-6 दिन पहले। और ये लोग 5-6 दिन पहले ही मुझे तय किए, मैंने वीडियो भी बनाया था 2 दिन पहले, वीडियो बनाया 16 तारीख को। तो 2 दिन पहले मैंने इनको वीडियो दिया था, तब इनको पता चल चुका था। तब तक इनको पता चल चुका था कि परमिशन रद्द है, प्रशासन हमें ये कार्यक्रम नहीं करने देगी। उसके बावजूद भी इन लोगों ने, मैं यहां तक आ गया उसके बावजूद भी ये पूरे दिन टिकट काटते रहे और मुझे पता ही नहीं है कि टिकट कट रहे और टिकट पे कार्यक्रम है और लोगों को सिर्फ गुमराह करते रहे। और उसमें नुकसान ये हुआ कि 4 स्कॉर्पियो लोगों ने जला दिया। इसमें मैं पब्लिक जनता को मैं बिल्कुल दोष नहीं बोलूंगा क्योंकि इन लोगों ने गुमराह जनता को भी किया और मुझे भी किया। तो आपका कहना है कि जो भी हुआ आयोजक की तरफ से, आयोजक अगर मुझे सुबह ही बता दिया होता कि भैया यहाँ परमिशन नहीं है, प्रशासन हम आपको नहीं दे सकते, तो इसमें प्रशासन का भी कोई रोल नहीं है भाई। प्रशासन, अब मैं यहाँ आया 8 बजे 9 बजे में पहुंचा, 9 बजे पहुंचने के बाद 10 बजे में रेडी होकर बैठ गया, जैसे निकलना चाहा पूरी प्रशासन पूरे होटल को घेर लिया गया कि आप कार्यक्रम करने जा ही नहीं सकते। तो मैं प्रशासन को तोड़ के तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया हूं, ये इंडिया तो है नहीं, ये बिहार तो है नहीं, यूपी तो है नहीं। अब प्रशासन बोल रहा है कि आप जा ही नहीं पाओगे, आपको नहीं जाने देंगे हम, क्योंकि वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो भाई उसका जिम्मेदार हम पे आ जाएगा। जो प्रशासन, नेपाल की प्रशासन निकम्मा है और नेपाल की प्रशासन ने खेसारी लाल यादव को सुरक्षा नहीं दिया तो हम अपने पे रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए आप यहां से नहीं जा सकते। और मैं अभी वही कपड़ा पहन के बैठा हूं सुबह से, अभी खाना तक मैंने नहीं खाया कि कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। मेरे जितने भी बंदे वहां थे कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको चोट नहीं लगी है, सबको चोट लगी है क्योंकि पब्लिक को कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव चाहिए था और मैं उसी के लिए आया भी था। इसमें मेरी कोई गलती, आयोजक ने एक शब्द अभी तक, जो मेन आयोजक है अभी तक मिलने नहीं आया मेरे से। क्या नाम है भैया उनका? क्या नाम है उनका? उसका शर्वण जी।
शर्मा जी अभी तक मिलने तक नहीं आए। अक्सर विवादों में रहने वाले भोजपुरी सिने अभिनेता खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम को लेकर नेपाल में खूब बवाल हुआ। तय समय पर खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने पर भीड़ भड़क गई और लोगों ने जमकर हंगामा और आगजनी की। नेपाल के सुनसरी जिले के बुर्ज ताल में बुर्ज महोत्सव के अंतिम दिन यानी मंगलवार को खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम रखा गया था। खेसारी लाल यादव भी नेपाल में ही थे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के कारण स्थानीय प्रशासन ने कार्यक्रम पर रोक लगा दी, जिसके बाद खेसारी लाल यादव को विराटनगर के एसियाटिका होटल में ही रोक दिया गया और उन्हें कार्यक्रम स्थल पर नहीं जाने दिया गया। आपको बता दें कि वहीं खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम होने की खबर सुनकर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन जब आयोजकों ने अंतिम समय में कार्यक्रम रद्द करने की घोषणा की तो वो वहां मौजूद भीड़ उग्र हो गई। लोगों ने जमकर हंगामा और आगजनी की। भीड़ का कहना था कि आयोजकों ने खेसारी लाल यादव के नाम पर 300 रुपए में टिकट भी बेच दिए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो कार्यक्रम में नहीं आएंगे तो सभी आग बबूला हो गए। कार्यक्रम स्थल पर लोगों ने जमकर बवाल काटा। भीड़ ने स्टेज पर तोड़फोड़ शुरू कर दी, लोगों ने कुर्सियों को तोड़ दिया और गाड़ियों में आग लगा दी। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है नेपाल से, जहां पर खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम निर्धारित किया गया था। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए वहां के प्रशासन ने इस पूरे कार्यक्रम पर रोक लगा दी, जिसके बाद ऑर्गेनाइजर्स को आखिरी मोमेंट में ये पूरा प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। साथ ही साथ भीड़ को जब ये पता चला कि ये प्रोग्राम अचानक से कैंसिल हो चुका है, खेसारी लाल यादव वहां नहीं पहुंच रहे हैं, तो भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने स्टेज में तोड़फोड़ की और साथ ही साथ गाड़ियों में आग लगा दी। भीड़ का यह भी कहना था कि उनसे 300 रुपए में टिकट लिए गए, उन्होंने 300 रुपए में टिकट खरीदा है और जिसके बाद आखिरी मोमेंट में ये सब हो गया। तो ये पूरा मामला नेपाल से निकलकर सामने आ रहा है, जिसको लेकर खेसारी लाल यादव ने अपनी बातों को भी रखा है और जो भी कुछ हुआ है उसको लेकर खेसारी लाल यादव ने क्या कुछ कहा है ये भी हमने आपको सुनाया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन में। नमस्कार।